एक अजिहा मामला सामने आया जिस दे विच किसानां दे रोह अगे पंजाब सरकार झुकदी हुई नज़र आई है। जी हाँ, हुशियारपुर दे विच तीक्ष्ण सूद दे घर दे बाहर गोहा सुट्टिया गया सीगा किसानां दे वलों दी, ते उस मामले दे विच पुलिस ने किसानां दे उत्ते धारा 307 लगाई सी, ते हुण मुख्यमंत्री ने धारा 307 जो है वह खत्म कर दिती है। जी हाँ, किसानां ते लगाई गई धारा 307 दा मामला जो है खत्म कर दिता गया। इस दे नाल ही जिस पुलिस अफसर ने यानी जिस SHO ने धारा 307 के तहत केस दर्ज किया सीगा उसका भी तबादला कर दिता गया। कुछ दिन पहला दी तस्वीरां ने हुशियारपुर तो सामने आई सन, साबका कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर बाहर किसानों के वलों की गोहे नाल भरी हुई ट्राली सुट्टी गई सी, काफ़ी ज़्यादा हंगामा इत्थे होया सीगा। जो संबंधित थाने के SHO सन उन्होंने किसानों के खिलाफ धारा 307 के तहत यानी कतल की कोशिश का मामला दर्ज किया सीगा, जिसनों मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिता है। धारा जो है उन्होंने वालों हटा दिती गई है, नाल ही SHO का तबादला जो है वह मुख्यमंत्री के वलों भी कर दिता गया। जिस दिन हुआ एक एक गार्ड ट्रक ट्रैक्टर आ रहा था और वो घूम गया टूवर्ड्स जहाँ उनकी BJP लीडर के का घर था, और उसके सामने चौकीदार था या कोई और था, वो लिट गया और उसको आगे जाने नहीं देना चाह रहे थे, तो उसमें से ट्रैक्टर रुक गया, उनको ऊपर नहीं चढ़ा, रुक गया। एंड उसी जब उसको उठा के साइड में कर दिया, उन्होंने वो डंप कर दिया। जो SHO था वहाँ, आई थिंक उसको ही शुड ऑफ उसको देखना चाहिए था कि दिस इज़ नॉट अ अटेम्प्ट टू मर्डर केस, दिस इज़ जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मैटर ऑफ अदर, एंड ही शुड ऑफ पुट जो चार्जेस लगते हैं उस पर लगाना चाहिए, बट नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर। और हमने उसके बाद हमने एक SIT बिठाई, उन्होंने हम जो अब उस अग्री किया कि गलत हो गई बात, और वो 307 तो उन्होंने निकाल दिया, सो दैट इज़ बीन आउट। लेकिन SHO शुड हैव एक्टेड मोर रिस्पॉन्सिबली, देयरफॉर आई एम ट्रांसफरिंग दिस SHO को, उसको मैं उधर से मूव कर रहा हूँ।